नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है, तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मादड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 2 किलोमीटर दूर से नजर आया धुएं का गुबार, 5 दमकलों ने पाया काबू। उदयपुर में अनियंत्रित होकर साबरमती बांध में गिरी कार, तैरकर सरपंच ने बचाई जान। सुथार समाज के द्वारा मनाई गई विश्वकर्मा जयंती, जिला कलेक्टर निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान पहुंचे सलूम्बर। सलूम्बर में बजट से निराश शहरवासियों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, संशोधित बजट में शहर के प्रमुख मांगों को पूरा करने की रखी बात। और सलूम्बर में तलाशी अभियान के दौरान एक मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार, एक बाइक हुई बरामद। सलूम्बर कस्बे के दवा व्यापारियों ने दिया नगरपालिका के अध्यक्ष को अतिक्रमण हटाने के लिए ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के मादड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में गुरुवार को चौकसी अराइव्स एंड रविंद्र हेयर्स फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि 2 किलोमीटर दूर से भी आग का धुआं दिखाई दे रहा था। इसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 5 दमकल की मदद से 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आगजनी की इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, हालांकि लाखों का माल जलकर राख हो गया। उदयपुर के चीफ फायर ऑफिसर राकेश व्यास ने बताया कि आग लगने के कुछ ही देर में दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई थी। इस दौरान फायर शाखा की टीम ने HCL हाइड्रोकेमिकल का उपयोग किया, इसके बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन से जुड़े लोग इस मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आए, जबकि स्थानीय लोगों ने कहा कि इंडस्ट्रियल एरिया में आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं, बावजूद इसके प्रशासन आम जनता की कोई सुध नहीं ले रहा। आज भी हादसे के बाद जहरीली गैस से पूरे इलाके में सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ऐसे में फैक्ट्रियों और कल कारखानों पर प्रदूषण विभाग सख्त कार्रवाई कर जहरीली गैस का रिसाव रोके, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। उदयपुर जिले के कोटड़ा में गुरुवार को अनियंत्रित बोलेरो साबरमती बांध में जा गिरी। इस दौरान गाड़ी में सवार सरपंच निर्मल कुमार ने बमुश्किल तैरकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने रस्सी और JCB की मदद से बांध में फंसी हुई बोलेरो को बाहर निकाला। पुलिस ने बताया कि सुबह सरपंच निर्मल कुमार तेज रफ्तार बोलेरो लेकर जा रहे थे। इस दौरान ध्यान हटने से सरपंच अपनी गाड़ी से नियंत्रण खो बैठे और गाड़ी समेत बांध में जा गिरे। बता दें कि घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए, जिसके बाद रस्सी और JCB की मदद से बोलेरो को पानी से बाहर निकालने की कोशिशों में जुट गए। लगभग 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने बोलेरो को पानी से बाहर निकाला। सरपंच निर्मल कुमार ने बताया कि सुबह वह निजी काम से जा रहे थे, इस दौरान उनकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई और बांध में जा गिरी। विश्वकर्मा मेवाड़ा सुथार समाज 56 बैठक व सेला सोबावती बैठक के संयुक्त तत्वाधान में विश्वकर्मा जयंती महोत्सव विश्वकर्मा मंदिर सलूम्बर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया एवं मंदिर पर ध्वजा परिवर्तन के साथ पूजा अर्चना की गई। सराफा बाजार स्थित विश्वकर्मा मंदिर से दोपहर 12 बजे रजत पालकी में भगवान शिव को विराजमान करके रेवान हेमंत, गजेंद्र सलूम्बर व मयंक जयेश सलूम्बर ने अपने कंधों पर उठाकर व साथ में मेघाजी थड़ा चवर डुलाते हुए बैनबाजों की धुन पर युवक युवतियां नाचते गाते जनसमूह के साथ शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्ग गांधी चौक, सुधारवाड़ी, बाहर का शहर, खाई मोहल्ला, होली चौक, आजाद मोहल्ला, सुधारवाड़ी, अंदर का शहर, रावली पोल होते हुए सेरिंग तालाब की पाल पर गई, जहां पर भगवान श्री का स्नान पंडित नरेंद्र भट्ट ने करवाया और आरती राजेंद्र सलूम्बर द्वारा की गई और प्रसाद वितरण हुआ। उसके पश्चात शोभा यात्रा नागदा जैन मंदिर, नागदा बाजार, होली चौक होते हुए पुनः विश्वकर्मा मंदिर पहुंची, जहां भगवान श्री के 151 दीपकों के साथ महाआरती गोवर्धन लाल बड़ावली द्वारा की गई। जिला कलेक्टर निरीक्षण कार्यक्रम के तहत निरीक्षण दल के साथ तहसील कार्यालय, उपखंड कार्यालय, पंचायत समिति सभी का निरीक्षण किया गया। वहीं जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा पंचायत समिति सलूम्बर सभागार पहुंचे, जहां पर पहुंचकर सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे, सभी विभागों के क्षेत्र के कार्य के बारे में जानकारी जुटाई और साथ ही सभी को दिशा निर्देश दिए। जो भी कार्य पेंडिंग रहे हैं उनको अतिशीघ्र करने के निर्देश दिए हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घड़ी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली,
मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य सरकार के बजट को लेकर सलूमर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बड़ी उम्मीद थी, परंतु बजट से क्षेत्र को निराशा हाथ लगी, जिस पर नगरवासियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर संशोधित बजट में प्रमुख मांगों को पूरा करने की बात रखी है। क्षेत्र के विकास को गति मिलने की आस पर आम से लेकर खास की नजर बनी नहीं। बजट से पूरी उम्मीद थी, लेकिन बजट देखते ही निराशा हाथ लगी। इस बजट को लेकर सलूमर विकास मंच एवं अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 21 के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि संशोधित बजट में सलूमर उपखंड मुख्यालय पर जिला चिकित्सालय, जिला परिवहन कार्यालय, नगर में पेयजल समस्या के निवारण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर 5 करोड़ की पेयजल आपूर्ति योजना एवं हाड़ी रानी महल की मरम्मत व पैनोरमा निर्माण का बजट जैसी प्रमुख मांगों को पूरा किया जाए। विकास मंच के धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि सरकार ने विभिन्न मांगों एवं मुद्दों को नजरअंदाज किया। इस बजट से जनता को उम्मीद थी कि सरकार लंबे समय से चले आ रहे जिला चिकित्सालय की पेयजल आपूर्ति एवं जिला परिवहन कार्यालय खोलने का तोहफा प्रदान करेगी, परंतु बजट से सलूमर को निराशा हाथ लगी है। जनता में खेद के साथ आक्रोश व्याप्त है। सलूमर की जनता ज्ञापन के माध्यम से मांग कर रही है कि राज्य सरकार बजट के पश्चात होने वाले संशोधित बजट में हमारी मुख्य मांगों को प्राथमिकता से पूर्ण करेगी। इस मौके पर वार्ड पार्षद राम भरोसे पुरोहित, प्रहलाद पटेल, शंकरलाल भोई, तस्दीक भाई बोहरा, महेश सोनी, भूपेश उस्ता, राजेश सोनी, मनोज ताजावत, चिराग चंचावत, महेश सोलंकी सहित नगरवासी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि नगरपालिका चुनाव से पूर्व कांग्रेस के नेताओं ने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में इन वादों को संकलित किया था। ऐसे में बजट मैसेज इन घोषणाओं को सम्मिलित नहीं करने से यहाँ की जनता ठगा सा महसूस कर रही है। आज हम सभी ने मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें राज्य सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें सलूमर को काफ़ी निराशा हुई है। जो उम्मीदें सलूमर की जनता ने रखी थी इस बजट से, वो सभी नदारद दिखी। ऐसे में हम सभी ने जो ज्ञापन सलूमर विकास मंच और अन्य प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से उपखंड अधिकारी जो को ज्ञापन दिया है, उसमें यही मांग की है कि जिला चिकित्सालय और पेयजल के लिए जो बजट है उसे, और जिला परिवहन कार्यालय और हाड़ी रानी पैनोरमा का जो बजट है, इन चार प्रमुख मांगों में से जितनी राज्य सरकार स्वीकृत करे, हमारी इच्छा है तो चारों हैं, परंतु दो या तीन मांगों को मानकर संशोधित बजट में इस बजट को स्वीकृत करावे, जिससे ये सलूमर एक आशा रख रहा है कि इस बार राज्य सरकार सलूमर को बजट देगी, उस आशा को पूरा करे। जिले के सलूमर थाने की पुलिस ने बाइक चोरी मामले का पर्दाफाश करते हुए चोरी की एक बाइक को बरामद करते हुए एक आरोपी को धर दबोचा। सलूमर थानाधिकारी हनुमंत सिंह सोढ़ा के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार के निर्देशन में जिले भर में तलाशी अभियान जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश सांखला के पर्यवेक्षण में वृत्ताधिकारी सुधा पालावत के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर तलाशी ली गई, तो अभियुक्त सुरेश उर्फ सूरज पुत्र आलामीना, उम्र 24 वर्ष, निवासी वडली अंजनी थाना लसाड़िया से पूछताछ की गई, तो उसके पास से एक बाइक बरामद हुई है। जब जांच की तो सामने आया कि RJ 27 BJ 3648 की पुर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। अनुसंधान कर आरोपी सुरेश मीना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सलूमर कस्बे में राजकीय हॉस्पिटल व दवाई विक्रेताओं के दुकान के सामने फल व सब्जी के कई फुटकर व्यापारियों ने मुख्य बस स्टैंड से उदयपुर मार्ग तक अपनी लारियों को खड़ी कर अतिक्रमण कर रखा है, जिससे ना तो मरीजों को दूर से हॉस्पिटल और ना ही मेडिकल स्टोर दिखाई देता है। साथ ही इन अतिक्रमण की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी मेडिकल एसोसिएशन ने उपखंड अधिकारी व थानाधिकारी नगर पालिका के चेयरमैन को ज्ञापन दे चुके हैं। उक्त जानकारी मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष सुशील मिंडा ने दी। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।